नमस्कार बच्चों बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि मेगा स्पोर बनना। अब मेगा स्पोर कहाँ बनता है? पिछले वीडियो में आपने देखा था, और जरा आप देख लो कि मेगा स्पोर ये बनता कहाँ है। ये ओव्यूल है। ये क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल मतलब मेगा स्पोरेंजियम। और इसी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर यहां पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बिल्कुल वेल डेवलप्ड मेगा स्पोर है, जिसका नाम एम्ब्रियो सैक है। अब यही एम्ब्रियो सैक देखना है कि हमको ये कैसे बनता है। अब देखो, इसी एम्ब्रियो के अंदर जो न्यूक्लियस में रहती है मेगा स्पोर मदर सेल, और ये मेगा स्पोर मदर सेल से ही कन्वर्ट होता है क्या? मेगा स्पोर। अब देखो होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस की सेल्स हैं, न्यूक्लियस की सेल्स में एक सेल ये बड़ी हुई, और जो बड़ी सेल हुई इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है। देखो ये डेंस साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, इस सेल की मेगा स्पोर मदर सेल, यानी मेगा स्पोर मदर सेल, यानी ये मेगा स्पोर मदर सेल एमएमएससी लार्ज है, कुछ साइज में बड़ी है। और इसके अंदर न्यूक्लियस, बिल्कुल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है ये, और ये मियोसिस होता है इसमें। और मियोसिस के बाद कितनी सेल बनती हैं? एक सेल अगर मियोसिस होती है तो कितनी सेल बनती हैं? चार, चार सेल बनती हैं। देखो ये मियोसिस वन हुआ तो दो सेल बनी। जब मियोसिस वन के बाद, तो इसको बोलते हो क्या? डायड, मेगा स्पोर डायड। और उसके बाद मियोसिस टू जब कंप्लीट हुआ, मियोसिस दो स्टेप में हुआ, तो बन गया क्या? मेगा स्पोर ट्रायड। अब देखो ये जो मेगा स्पोर ट्रायड है, यानी ये कैसे डेवलप होता है, फिर आगे क्या होता है, और किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। देखो, एक बहुत सारे ज्यादातर प्लांट में क्या होता है कि एक मेगा स्पोर यही फंक्शनल होता है, और बाकी बाकी के तीन, उन तीन का क्या होता है? डिजनरेट हो जाते हैं। और जब केवल सिंगल मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, तो इसको कहते हो क्या? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। देखो जरा इसको देखो कि इसमें क्या हुआ था, वो जो चार सेल थी, और चार सेल में केवल एक ये फंक्शनल बची, तीन डिजेनरेट हो गई। और तीन डिजेनरेट होने के बाद में अब यहां शुरू होती है, इसके बाद में इस सेल में क्या शुरू होती है? माइटोसिस। अभी एक और फिगर में माइटोसिस के बाद देखो, ये दो न्यूक्लियस बना, एक माइटोसिस, दूसरी माइटोसिस, दो न्यूक्लियस बने, ये दो और बन गए, दो इधर चार न्यूक्लियस, फिर एक और माइटोसिस, तो चार से टोटल आठ न्यूक्लियस बन गए। आठ न्यूक्लियस में इनमें देखो दो न्यूक्लियस सेंटर की तरफ गए, जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोला, और तीन न्यूक्लियस एक पोल पर, माइक्रोपाइलर पोल पे, और तीन न्यूक्लियस चला जल एंड पे इकट्ठे हो गए। अब ये न्यूक्लियस के अंदर चारों तरफ सेल वॉल बन गई, इधर वाले भी सेल वॉल बन गई, तो इधर चार, तीन सेल इधर हो गई, तीन न्यूक्लियस से तीन सेल इधर हो गई, और तीन न्यूक्लियस से तीन सेल ये चैलेंजर एंड पे बन गई। अभी देखो ये एक और फिगर, वही फिगर है, ये एनसीईआरटी का फिगर है। एनसीईआरटी का एक एक फिगर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्कैन करके ऐसे ही डाल देते हैं एग्जाम में। फंक्शनल मेगा स्पोर से ये एक देखो माइटोसिस हुआ, दो न्यूक्लियस, दो से फिर माइटोसिस के बाद चार न्यूक्लियस, फिर माइटोसिस हुआ तो आठ न्यूक्लियस, फिर आठ न्यूक्लियस ये देखो माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिट बन गए, माइक्रोपाइलर एंड पे देख रहे हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिट, और बीच में एक एक्सेल एंटीपोडल सेल, इधर बीच में पोलर न्यूक्लियाई। अब इस फिगर को और इस फिगर को जरा ध्यान से देखो, दोनों फिगर को। इसमें क्या किया है कि ये माइक्रोपाइलर एंड की लेबलिंग इधर है, देख रहे हैं, और इधर साइड में क्या है? चैलेंजर एंड की लेबलिंग इधर है, यानी माइक्रो फिगर को उलट के बना दिया है। बस यही कंफ्यूजन होता है,
यानी माइक्रोपाइलर एंड इधर इसमें लिखा हुआ है और माइक्रोपाइलर एंड यहां इधर लिखा हुआ है, यहां हमेशा ध्यान रखो। एग और एग जो सेनर्जिड, ये सेनर्जिड और एग ये हमेशा माइक्रोपाइलर एंड पे रहेंगे, एंटीपोडल एंड किधर रहेंगे, चलेजल एंड पे, और बीच में एक सेंट्रल सेल और उसमें दो पोलर न्यूक्लियाई। आप जरा देखो इसी में क्या हो रहा है, यही बात तो है ये भाई। फंसलाल मेगा स्पोर डिवाइड किया किससे, माइटोटिकली, दो बनाए कितने न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस देखो, फिर टुवर्ड अपोजिट पोल्स पे चले गए दोनों, फिर दो न्यूक्लियेट, इसको बोलते हैं क्या, दो न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो सैक, यानी दो न्यूक्लियस वाला ये एम्ब्रियो सैक अभी तैयार हुआ है। फिर दो और माइटोटिक डिवीजन हुए और इसके बाद फिर बन गए क्या, फोर न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो सैक, फोर न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक और एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनके तैयार हो गया। आप जरा देखो भाई, ये देखो यहां देखो जरा, वहीं इसी को फिगर, आपको तीन तीन फिगर दे रखे हैं, इसलिए दिमाग में बैठा लो, एग्जाम में जरूर आएगा, नीट में भर भर। पहला क्वेश्चन, कितने माइटोसिस होती हैं, ये देखो पहले फंक्शनल मेगास्पोर है, मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस वन मियोसिस टू चार बन गई। फिर देखो ये एक न्यूक्लियस है, एक एक सेल है फंक्शनल, फंक्शनल मेगास्पोर, तीन डिजेनरेट हो गए। तीन डिजेनरेट होने के बाद फिर देखो, ये पहला माइटोसिस हुआ दो न्यूक्लियस, दूसरा माइटोसिस चार न्यूक्लियस, तीसरा माइटोसिस आठ न्यूक्लियस, आठ न्यूक्लियस के बाद में तीन सेल ये माइक्रोपाइलर एंड पे असेंबल हो गए और तीन सेल चलेजल एंड पे न्यू सेल बन गई। दो न्यूक्लियस जो बच गए बीच में रह गए, यानी तीन सेल बन गई ये इधर, तीन सेल इधर और दो न्यूक्लियस बीच में, ये एक सेल के अंदर, ये एक सेल बच गई बीच में। अब देखो सेल कितनी, तीन ये तीन ये तीन तीन छह सेल और बीच में एक सात सेल, ये सातवीं सेल। न्यूक्लियस कितने, तीन इसके न्यूक्लियस, तीन इसके न्यूक्लियस और दो इसके न्यूक्लियस सेंट्रल सेल के, तो न्यूक्लियस कितने हैं इसमें पूरा एम्ब्रियो सैक, और इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, अरे भैया एट न्यूक्लियस है, सेल कितनी है सेवन, और यही एट न्यूक्लिएटेड स्टेज। इसी के बाद देखो सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ और जो बन गया क्या, एक टिपिकल गैमेटोफाइट, टिपिकल गैमेटोफाइट बन के तैयार हो गया भैया। आप देखो इसी फिगर को, ये फिगर वही फिगर है, अब ये फिगर भी बहुत देखो ना, वही तीन सेल, फिर से देख लो एंटीपोडल, बीच में सेंट्री सेल, बीच में सेंट्रल सेल और ये पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई के बाद में एग, देखिए एग माइक्रोपाइलर पे एंड पे एग और सेनर्जिट, सेनर्जिट के अंदर ही ये रहते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, ये थिकनिंग होती है स्पेशलाइज थिकनिंग, जब आप पॉलन ग्रेन इसके अंदर इंटर करेगा, पॉलन ग्रेन जब यहां पे इंटर करेगा तो इसी फिलीफॉर्म ऑपरेटर से सिनर्जिट के हेल्प से इंटर करेगा। ठीक, देखो ये सिर्फ एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर थी, सराउंडेड हो गई, क्या बना लिया, एग ऑपरेटर्स बना लिया, देख रहे हैं एग ऑपरेटर्स पूरा इन द लार्ज सेंट्रल सेल। इसके बाद में थ्री सिक्स सेल प्लेस्ड इन द माइक्रोपाइलर, जिसको बनाया दो और एग, इसको बोला क्या आपने एग ऑपरेटर्स, समझे, यानी एग ऑपरेटर्स पूरा बनाने में कितनी सेल, तीन सेल इन्वॉल्व हुई। ठीक, अब ये हाँ ये देखो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स क्या है, इसी की बात कर रहे थे, ये क्या है स्पेशलाइज थिकनिंग है। एक देखो यहां पे एक बात देखिए, सिक्स
एट जो न्यूक्लियस है वो उसने उधर किधर चली गई, माइक्रोपाइलर एंड पे, तीन उसमें से किधर चली गई, माइक्रोपाइलर एंड पे चली गई, ये तीन माइक्रोपाइलर एंड पे गई और उन्होंने क्या बनाया, एक अपरेटस, एक अपरेटस में दो सिनर्जिड और एक एक्सेल। ठीक, अब थ्री सेल जो बची, थ्री सेल वो किधर गई, चैलेंजर एंड की तरफ गई और बनाया क्या, एंटीपोडल सेल्स। ये देखो ये पूरा एक ऑपरेटस बना माइक्रोपाइलर एंड पे, एक सिनर्जेट, और ये क्या बना चैलेंजर एंड पे, क्या बना एंटीपोडल सेल। ठीक, और अब बन के तैयार हो गया टिपिकल एंजियोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट। उसके अंदर कितनी है, सेवन, ये देखो सेवन सेवन सेल हैं और एट न्यूक्लियस हैं। ये भैया बिना इसके तो पेपर नहीं बनता है। ठीक, अब बच्चों एक बात ये ध्यान रखना, इसको आपने एक अगर आपको समझ में आया तो याद करना जरूरी है, क्यों, केवल समझने से काम नहीं चलेगा, याद खोना बहुत जरूरी है। याद रखो, लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज मैडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग विदाउट लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग विदाउट लर्निंग इज यूजलेस। करना क्या है, देखो और बैठ करके देखो, बैठ करके। ठीक, और उसके बाद फिर याद कर लो, अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन, पॉलिनेशन पढ़ेंगे। ओके।